तो पंजाब के चुनावों की गूंज जब हरियाणा तक पहुंच रही है तो ऐसे में पंजाब चुनावों पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी और लेकिन उस संघर्ष को आज पानी नहीं मिला, उसके बाद भी पानी नहीं दिया गया। दक्षिण हरियाणा को पानी देने पर अगर अकाली दल का स्टैंड स्पष्ट हो तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। दिग्विजय चौटाला की ओर से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो पानी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम सब कार्यकर्ता जून जुलाई के महीने पे सड़कों पे संघर्ष करते थे, उसको आज कहीं ना कहीं उसी पानी में मिला दिया संघर्ष को। अकाली दल का स्टैंड अगर ये स्पष्ट हो कि वो दक्षिणी हरियाणा को हमारे एसवेल का पानी देने के लिए तैयार हैं तो फिर हम भी उनका समर्थन करें। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो पानी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम सब कार्यकर्ता जून जुलाई के महीने पे सड़कों पे संघर्ष करते थे, उसको आज कहीं ना कहीं उसी पानी में मिला दिया संघर्ष को। अकाली दल का स्टैंड अगर ये स्पष्ट हो कि वो दक्षिणी हरियाणा को हमारे एसवेल का पानी देने के लिए तैयार हैं तो फिर हम भी उनका समर्थन करें। तो दिग्विजय चौटाला को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि अगर अकाली दल का स्टैंड साफ होता है कि वो दक्षिण हरियाणा को एसवेल का पानी देने के लिए तैयार होंगे तो फिर हम भी अपना समर्थन देंगे, यानी कि पानी दो और समर्थन लो। ये बात दिग्विजय चौटाला की ओर से एक तरह से कही गई है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि एसवेल का मुद्दा एक लंबे समय से चलता हुआ मुद्दा है पंजाब और हरियाणा के बीच में, और अब चुनाव से पहले एक बार फिर से ये मुद्दा जीवित हो गया है, क्योंकि जब पंजाब में सरकार में थी शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ सरकार में थी पंजाब में, उस समय शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड साफ था और साफ तौर पर उस समय कहा जाता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम एसवेल का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। और अब उसी को लेकर, उसी स्टैंड को लेकर दिग्विजय चौटाला की ओर से बात कही गई है। तो आपने सुना दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शिरोमणि अकाली दल अपने स्टैंड को साफ करती है कि हम दक्षिण हरियाणा को एसवेल का पानी देंगे तो फिर हम भी समर्थन को तैयार हैं। लेकिन अभय चौटाला और अजय चौटाला की ओर से क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जब पंजाब का चुनाव होता है तो हम लोग सभी उनकी 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग हमारे पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगा करके हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। अब भी हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की, जो पंजाब के साथ सटा हुआ हमारा हरियाणा सारा है, हमारे अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने ड्यूटियाँ सौंप दी। अब से पहले हमेशा ही पंजाब में चुनाव प्रचार में जाते रहे और अब की बार भी चौटाला साहब जाएंगे। अब भी आप देखना अकाली दल की ही सरकार बनेगी। आखिर लोग काम को भी तो देखते हैं कि किसने काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या वो हरियाणा प्रदेश में एसवाईएल का पानी नहीं चाहते क्या? वो तो रोजाना दोगली भाषा बोलते हैं, आज पंजाब में अकालियों की मदद करते हुए घूम रहे हैं, कल यहाँ पे जेल भर रहे थे। और इसी पर हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रजत जी। इनेलो की ओर से पंजाब में प्रचार किया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल के लिए, ऐसे में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आप पर निशाना साधा जा रहा है। को एक बारी फिर दोबारा से क्लियर कर दूं, एसवाईएल को लेके हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। ये हमारे प्रदेश का पानी है और इसको हम लाके रहेंगे, इसके लिए हम प्रतिबंध हैं। इसको आप अपना कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अपने दिमाग से निकाल दे, पहले अपने गरेबान में जाके देखे कि उसने आज तक एसवाईएल के लिए कोई लड़ाई लड़ी भी है क्या नहीं। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पार्टी है जिसके प्रयासों से निरंतर हम लगे हुए हैं, अपने चाहे जेल भरो आंदोलन हमने किया हो, चाहे हमने असल में जेलें काटी हो, चाहे न्याय युद्ध के लिए चौधरी देवीलाल जी ने अब त्याग पत्र दे दिया हो 1985 के अंदर। देखिए ये हम कोई आग से नहीं लड़ रहे हैं, ये चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों से एसवाईएल खुदी है हरियाणा के जो हिस्से में खुदी है। तो ये पानी हमारी दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है, ये पानी हमने पास नहीं रखना, आगे राजस्थान में जाएगा। ठीक है, तो चाहे ये, हाँ जी राजीव जी, आप कह रहे हैं कि पानी हम लाकर रहेंगे, चाहे फिर हम बेशक उसी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे पंजाब में जो पार्टी पानी देने से मना करती है। इसी पर हमारे साथ दीप कमल सहारण, जेजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीप कमल जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। रजत पंजेटा जी को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि पानी तो हम लाकर रहेंगे। तो दीप कमल सारण जी, आवाज नहीं आ रही है जी।
जी रजत पंजेटा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत जी, आप कहते हैं कि हम पानी तो लाकर रहेंगे, दक्षिण हरियाणा का पानी है, उस पर हरियाणा का हक है, लेकिन उसी पार्टी के फेवर में प्रचार किया जाता है आपकी पार्टी की ओर से, जो पानी देने से मना कर रही है। देखिए, आप पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया इस पानी को लेके, कोई किसी ने असल में लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत हो चाहे कानूनी हो, वो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी। 2002 में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमने दरवाजा खटखटाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कहा कि आप अपने हिस्से की नहर खुदाइए। पंजाब ने एक साल का समय मांगा, एक साल का समय मांगने के बाद पंजाब क्या करता है अपनी, ये ऑल पार्टी मीटिंग, पंजाब ने जब ये विधानसभा में रेजोल्यूशन लेके आए, ये जब इन्होंने नोटिफिकेशन करी, अपनी जमीनें भी वापस लौटा दी, उनका जो मुआवजा था वो भी वापस दे दिया, तो वो किसने किया? वो पंजाब की सभी पार्टीज ने किया, एक शिरोमणि अकाली दल ने, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें कोई भी पार्टी है, तो उन सबने क्या किया, डी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने जब एक साल का समय मांगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप नहीं खुदवाएंगे तो हम अपनी सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी के अंदर, सेंटर की निगरानी के अंदर हम खुदवाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मैम एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए, आपको अधूरी बात का कोई औचित्य नहीं रहता। उसके बाद क्या रही, भाजपा की सरकार आती है हरियाणा में, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सुप्रीम कोर्ट, नहीं वो सबको पता है जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी सबको पता है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का जो स्टैंड रहा है हमेशा से वो भी तो आपको पता है। इसी पर हम दीप कमल सारण जी से जवाब ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप कमल जी, आप सुन रहे हैं रजत पंजेटा जी को, जो कह रहे हैं कि पानी तो दक्षिण हरियाणा का हक है, वो हम ला कर रहेंगे। देखिए, सिर्फ कहने से कोई पानी नहीं आने वाला। आपकी राजनीतिक गतिविधियां क्या हैं, आपकी पार्टी की नीतियां क्या हैं और कहां आप समर्थन दे रहे हैं, वो ज्यादा लाउडली बोलता है, वो ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखता है। इंडियन नेशनल लोकदल की दुविधा ये है कि उनको दोनों कश्तियों में पांव रखना है। उनको पंजाब की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाकर और अपना आना जाना करके हरियाणा में अपनी प्रासंगिकता भी बढ़ानी है। उनको लगता है कि वहां पे इनकी कोई पूछ हो रही है, कोई असर पड़ने वाला है इनके वहां प्रचार करने से और अकाली दल को वोट मिलने वाले हैं, ऐसा इंप्रेशन दे कि ये हरियाणा में कोई पॉइंट बना लेंगे, तो ये गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब के लोगों को, पंजाब के मतदाताओं को कोई इंतजार नहीं है इनकी पार्टी का, ये सिर्फ यहाँ के लिए अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं कि वहाँ की बातों में रहकर चर्चा में रह जाए। दूसरी बात ये, दूसरा ये कि ये कहते हैं कि इनको पानी लाना है और ये पानी लाएंगे, उसके लिए तो आपको पहले, सबसे पहले तो सरकार में आना पड़ेगा, जो दूर दूर तक, कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा कि इंडियन नेशनल लोकदल कभी भविष्य में किसी रूप में भी सरकार का हिस्सा बनेगी। और आप फिर उस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर जिन बातों का ये जिक्र कर रहे थे अभी रजत पंजेटा जी, कि उन्होंने जमीन को डीनोटिफाई कर दिया, लोगों का मुआवजा वापिस कर दिया और विधानसभा में पास कर दिया, पंजाब विधानसभा में, कि हम ये पानी तो नहीं देंगे, नहर तो नहीं बनवाएंगे। उस वक्त सरकार अकाली दल की थी, वहां पर प्रकाश सिंह बादल जी की मुख्यमंत्री काल के आखिरी महीना चल रहा था वहां पर, जब उन्होंने ये सारी चीजें की पंजाब के वोट लेने के लिए। पंजाब में वोट एसवाईएल के नाम पर मिलते हैं, ये बात इनको बखूबी पता है, और उसके बावजूद ये वहां पर उनके लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो ये इनकी दुविधा को दिखाता है, ये इनकी दोहरी नीति को दिखाता है कि ये इधर वाली कश्ती में भी पांव रखना चाहते हैं, हरियाणा के भी हितैषी बनना चाहते हैं और पंजाब में भी। रजत जी, क्या दो कश्तियों में सवार होकर इंडियन नेशनल लोकदल इस समय चलने की कोशिश कर रही है? एक आखिरी कमेंट इस पर। मैं बिल्कुल देता हूं आपको, दीप कमल सारण जी की दुविधा ये है कि पंजाब में ये भाजपा के साथ मिलके भी इनका कोई वहां पर अस्तित्व ही नहीं है। ये क्या फर्क डाल देंगे पंजाब की राजनीति में भाजपा के साथ मिलके, इनकी नीतियां ये शुरू से ही जो किसान विरोधी नीतियां उस पर चलते आए हैं। मैं एक बात लास्ट ईयर में नहीं, आप जेजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सर, मैंने तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप दो कश्तियों में सवार होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो दीप कमल जी ने बात कही है उसी पर मैं आपसे जवाब चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। दीप कमल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन इस समय एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से, पंजाब में चुनाव है तो हरियाणा में भी इसकी हलचल शुरू हो गई है और एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से जीवित हो गया है और इसी को लेकर इनेलो को एक बार फिर से घेरा जा रहा है, क्योंकि अभय चौटाला की ओर से प्रचार किया जा रहा है
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के पक्ष में वो वोट मांगने के लिए निकले हैं और ऐसे में उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वो एसवाईएल के मुद्दे को भूल गए हैं। आखिर शिरोमणि अकाली दल के स्टैंड के साथ क्या वो सहमत हैं और क्या वो दक्षिण हरियाणा के पानी को अब हरियाणा में लाने के लिए जो एक लंबी लड़ाई थी उसे भूल गए हैं।